हम आपको चुनौती देना चाहते हैं कि आप आइए हमारे सामने, आप पूछिए हमसे सवाल, आप कीजिए हमसे बहस। सबसे तेज तर्रार प्रवक्ता को आप लेकर के आइए, उनको छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तो मैं भी अपनी माँ का बेटा नहीं। कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा सवाल है जिसका आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं, ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 56 इंच का सीना लेकर के चलते हैं, अरे हमारे पास टेलर नहीं है वरना नपवा लेते। जो आपका मोदी मोदी लिखा सूट बनाया था उसको पता होगा कि आपका 56 इंच का सीना है कि नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि आपने किसको अपना दुश्मन बनाया है? एक साधारण विद्यार्थी को जिसकी माँ आंगनवाड़ी में 3000 रुपए पे काम करती है, जिसके पिताजी इस खेतों में, देश के खेतों में पसीना बहाते हैं, देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, जिसके भाई फौज की नौकरी करते हैं और नौकरी करते हुए शहादत देते हैं। मेरा एक भाई CRPF की नौकरी करते हुए शहीद हुआ था। आपने उसको अपना दुश्मन बनाया है? आपने इसलिए उसको अपना दुश्मन बनाया है क्योंकि आपका आंकड़ा कहता है, आपकी PR एजेंसी आपको बताती है कि इस साधारण व्यक्ति को अगर पकड़ करके जेल में डाल देंगे तो इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गलत कैलकुलेशन कर लिए साहब, गिनती गड़बड़ हो गई आपकी। ठीक से पढ़े होते तो आपको पता होता कि जिस इंसान को आप साधारण समझने की भूल करते हैं, अगर इस देश के साधारण लोग उसके पक्ष में इकट्ठा हो गए तो नीरव मोदी के पास आपको भी भागना पड़ेगा, नरेंद्र भाई मोदी। यह बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। और मैं जानता हूं, हमको जानने वाले लोग जानते हैं कि हम इतिहास के सही पक्ष के तरफ खड़े हैं, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम देश तोड़ने वालों में और हमारा नाम देश बचाने वालों में लिखा जाएगा, इस बात का हमको भरोसा है। क्या आरोप लगाते हैं? आरोप लगाते हैं कि हमने देश के खिलाफ बोला। हमने देश के खिलाफ बोला तो आप ढोकला खा रहे हैं दिल्ली में? आप क्या कर रहे हैं? आपके पास सरकार है, आप सरकार है, आपके पास पुलिस है, आपके पास CBI है, आपके पास ED है, आपके पास लॉ है, तमाम तरीके के संसाधनों के बावजूद आप तो राफेल भी खरीद करके लाने वाले हैं। आप एक आदमी को पकड़ करके जेल में नहीं डाल पा रहे हैं। किसको बेवकूफ बनाते हैं? इस देश की जनता को आपने बेवकूफ समझ रखा है? किसको बेवकूफ बनाते हैं? अगर हमने देश के खिलाफ कुछ बोला तो 3 साल के बाद आपने चार्जशीट की है, और चार्जशीट कितना मजेदार है उसको देख लीजिए। 3 साल के बाद चार्जशीट किया है और दिल्ली सरकार से परमिशन लेना ही भूल गया। मैं अपने पुलिस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं और अपने गुजरात के लोगों को भी याद दिलाना चाहता हूं कि यह धरती पटेल और गांधी के नाम से जानी जाती थी। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया इस गुजरात की धरती को नतमस्तक करती थी, इसको नमन करती थी। लेकिन आज इस शाह और मोदी की जोड़ी ने गुजराती अस्मिता को बदनाम करने का काम किया है, इसको कलंकित करने का काम किया है, इस बात को आप समझिए। गुजरात की जो पहचान है शांति और एकता की, गुजरात की जो पहचान है सत्य और अहिंसा की, गुजरात की जो पहचान है प्रगति और उन्नति की, आज उस पहचान को ये झूठ और फरेब में तब्दील कर दिए। ये गली गली जाकर के अपनी राजनीति के लिए, फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और गुजरातियों का नाम बदनाम कर रहे हैं। चुनाव के वक्त में इन्होंने कहना शुरू किया है कि पिछले 70 सालों में इस देश में कोई काम नहीं हुआ है। तो पिछले 70 साल में 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे जिनको ये लोटा में घुमा रहे थे, तो क्या उस प्रधानमंत्री ने भी कोई काम नहीं किया है? और तो और मैं एक बात आपको याद दिला देता हूँ, आप तो गुजरात के लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, आपके पास स्मार्ट सिटी होना हो लेकिन स्मार्टफोन तो जरूर है। अपने फोन पे आप चेक कर लीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसद में एक भाषण है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि पिछले 55 सालों में इस देश में उन्नति का काम हुआ है। मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ जो इस देश में जो उन्नति का काम हुआ है उसको नजरअंदाज कर दूं, ये अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द हैं। ऐसा झूठ, मुझे तो कई बार इस प्रधानमंत्री को झूठा कहने का भी मन नहीं करता है। पूछिए क्यों? हाथी को भैंस कह सकते हैं आप? क्या नहीं कह सकते हैं ना?
हाथी का साइज बड़ा होता है, ये इतना झूठ बोलते हैं कि इनके सामने झूठ भी आकर के शर्मा जाए। कह के अरे दोस्त योगी जी हमारा नाम बदल दीजिए, आज से मैं झूठा नहीं नरेंद्र मोदी हूँ। और ये मैं खोल करके बोलता हूँ, है हिम्मत है दम तो करो हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा, हम तुमको चैलेंज करने के लिए आए हैं। क्यों ये बात हम बोलते हैं? यह बात हम इसलिए बोलते हैं कि हमको मालूम है कि इन्होंने झूठ बोला था। अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि ये लोग पूछ रहे हैं कि आप भारत माता की जय बोलते हैं नहीं बोलते हैं। हम बोले क्यों नहीं बोलेंगे, भारत के माता की भी जय बोलेंगे, गुजरात के माता की भी जय बोलेंगे, पूरी दुनिया के माता की जय बोलेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन बेशर्मी की बात देखिए, जो अपनी पत्नी छोड़कर भाग गया वो भारत माता की जय बोल रहा है, लाजवाब बात है। जिसने आज तक किसी महिला की इज्जत नहीं की वो भारत माता की जय बोल रहा है और दूसरे को कह रहा है कि भारत माता की जय बोल करके दिखाओ। मजेदार बात जानते हैं क्या है, आप गुजरात के लोग हैं, मेरा नाम कन्हैया है और जिनको छोड़ करके भाग गए उनका नाम यशोदा है। मोदी जी गलत ट्रेन पकड़ लिए हैं इस बार, तो गलत ट्रेन पकड़ लिए हैं आप और इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा, ये बात हम आपको कह देते हैं। और सुन लीजिए एक बात और आपको बता देते हैं, डरते तो हम किसी से नहीं है और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, इसीलिए ये जो गीदर भभकी है ये किसी और को दीजिएगा, क्योंकि हमारा मानना है कि जब आपने हमको जीवन नहीं दिया है तो आप हमको मार भी नहीं सकते हैं। अरे जीवन देने वाला कोई और है, बचाने वाला कोई और है, मारने वाले को हम देखने के लिए तैयार हैं। यह साहस लेकर के अपने पास हम चलते हैं। आप मानिए अपने विचारों को, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह से हमको हमारे विचारों को मानने की पूरी आजादी है और हम आजादी की बात करेंगे, आजाद देश में आजादी की बात करेंगे, गरीबी और भुखमरी से आजादी की बात करेंगे, भेदभाव से आजादी की बात करेंगे और समानता से आजादी की बात करेंगे, आजाद देश में सरदार पटेल की आजादी की बात करेंगे, भीमराव अंबेडकर की आजादी की बात करेंगे, अशफाकुल्लाह खान की आजादी की बात करेंगे। जो आजादी हमको हमारे महामानवों ने लड़ करके अंग्रेजों से दी थी, उस आजादी को अंग्रेजों से उन्होंने छीना था, उस आजादी को हम इन लुटेरों के हाथ में नहीं फंसने देंगे, इसलिए हम आजादी की बात करते हैं। दोस्तों आज के इस दौर में सिर्फ आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आज आपको एक बात समझनी यह होगी कि हिंदुस्तान एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। इस गंभीर संकट में जान बूझ करके आपको आपके सवालों से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जान बूझ करके नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, समाज का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे दौर में हम तमाम भारतवासियों को, चाहे हमारा धर्म कुछ भी हो, हमारी जाति कुछ भी हो, हमारा रंग कुछ भी हो, हमको एकजुट रहना पड़ेगा, हमको इकट्ठा रहना पड़ेगा और इकट्ठा रह करके हम अपने संविधान को बचाने की बात करेंगे, अपने संविधान को बचाएंगे, क्योंकि संविधान में ही वो ताकत है कि एक आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला का बच्चा भी खड़ा होकर के प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है। ये वो संविधान की ताकत है कि तमाम लोग, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उनका जातीय पहचान कुछ भी हो, उनको बराबरी का वोट का अधिकार मिला है। ये संविधान की वो ताकत है कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है और जब लोकतंत्र जिंदा है, लोकशाही जिंदा है, तभी इस देश में लोगों के बुनियादी सवाल भी जिंदा हैं। इन बुनियादी सवालों की रक्षा के लिए और संविधान के ऊपर जो हमला है, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से CBI का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से ED का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से तमाम तरीके की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, इन संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करते हुए, संविधान को बचाते हुए हम हिंदुस्तान को बचाएंगे और भारत को एकजुट करके एक बेहतर भारत का निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, जय सरदार जय भीम। तो जोर से कहिए जय सरदार, जय सरदार।